देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। रावण के साथ विकारों का भी हुआ दहन। रावण के 10 सिर अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, द्वेष और वैर को जब हम खत्म करेंगे तो ही हम सच्चे अर्थों में दशानन रावण का खात्मा कर पाएंगे। हम मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, आत्मा की शुद्धि, मन की पवित्रता और वाणी में संयम रखेंगे तो विकारों रूपी रावण से सुरक्षित रहेंगे। यही सही अर्थों में दशहरा मनाना है। इसी कड़ी में हैदराबाद के शांति सरोवर में रावण के साथ ही बुराइयों एवं विकारों का भी दहन किया गया। शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस रामलिंगेश्वर, प्राइम एचआर कंसल्टेंट्स के सीईओ वेंकटेश, यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर सुरेश तेली समेत कई लोगों ने शिरकत की। मुझे वर्ष 2001 में ब्रह्मा कुमारीज का एक कोर्स करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा ट्रांसफर माउंट आबू में हुआ और पांडव भवन में हमारा एक ब्रांच था, तो वहाँ मुझे 2 साल तक सेवा देने का मौका मिला। और मैंने इस कोर्स करने के बाद में हमने ये अनुभव किया कि हमें ज़िंदगी में किस राह पर चलना चाहिए, कि सबसे पहले तो हमें कि किसी का ना बुरा सोचना है ना करना है। अपनी 5 इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करनी है और दशहरा मना 10 को हराना है। और ये पर्व है यादगार बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ चैतन्य देवियों की झांकी भी सजाई गई। कार्यक्रम का 2000 से भी अधिक स्थानीय एवं बीके सदस्यों ने लाभ लिया। सेवा केंद्र पहुंची नामचीन टीवी हस्तियां। नवरात्रि के पावन पर्व पर मुंबई के मीरा रोड में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। अवसर पर कथाकार राजगुरु रसिक महाराज, सीरियल कलाकार राहुल कौशिक, सोशल एक्टिविस्ट एक्टर मैनेजर शशि लोहरुका, मॉडल एक्टर शौर्य सक्सेना, साथ में प्रसिद्ध बाल कलाकार मास्टर प्रिंस विश्वकर्मा भी उपस्थित रहे। सभी कलाकारों और नगर सेवकों ने झांकी का अवलोकन करने के पश्चात अतिथियों से बीके रंजन ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों को लेकर बातचीत की। अंत में सभी मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। ओम शांति। आज बहुत सुंदर झांकी सजाई है। यहाँ पे आके ऐसा लगा माता का पूरा दरबार सजा हुआ है। और झांकी में जो भी वस्तुएं यूज की वो आप लोग ने खुद ने बनाई है, वो कितनी बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा था झांकी का दर्शन। भगवान का संदेश मिले, भगवान आ चुके हैं, वो संदेश सबको मिले और परमात्मा की संतान बने, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। चैतन्य देवियों की झांकी देखने सैकड़ों दर्शनार्थियों का उमड़ा सैलाब। पश्चिम बंगाल में स्थित वर्धमान के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा जीवंत दुर्गा महोत्सव का आगाज हुआ। शहर के विशिष्ट जनों में वर्धमान के एसपी कमनशी सेन, एमएलए शंपाधारा, नॉर्थ एसडीएम तीर्थंकर विश्वास, एसडीओ कृष्णेंदु मोंडल, सेंट जेवियर स्कूल के प्राचार्य फादर मारिया जोसेफ, फादर मोवलन समेत कई लोगों ने शिरकत की। अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके रूमा ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया तो वही गणमान्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। इस झांकी को देखकर स्थानीय कई लोगों ने अपनी कमी कमजोरियों का भी दान किया। कार्यक्रम में अतिथियों को ईश्वरीय स्लोगन्स दिए गए। हरियाणा के सिरसा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सद्भावना भवन की ईश्वरीय सेवाओं के 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जी हां, पथ प्रदर्शक बन जनमानस को परमात्म संदेश देने की सेवा में सदैव तत्पर इस भवन की रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई। आयोजन में विशेष मुख्यालय माउंट आबू से गीता ज्ञान विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा पहुंची। साथ ही पंजाब जोन के डायरेक्टर बीके प्रेम, भटिंडा सर्कल की हेड बीके कैलाश, फतेहाबाद संचालिका बीके मोहिनी और एजुकेशन विंग कोऑर्डिनेटर बीके मदन समेत जोन की सभी वरिष्ठ बहनों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने विचार व्यक्त किए। जब हम हमारे से कोई कैसा भी व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, तो हम उन्हें क्षमा कर दी
और हमारे से कोई गलती हुई है तो हम क्षमा मांग लें। और इस पुरुषोत्तम संगम युग की ये जो मूल्यवान घड़ियां हैं, प्यारे बाप दादा की आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करें। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पिलर्स हमारी दादियां, जिन्होंने यहाँ कदम रखे, तो उस कदम से आज यहाँ की सेवाओं ने, विशेष जैसे एक ऐसी रूहानी फुलवाड़ी क्रिएट किया जिसकी खुशबू, जिसके सुगंध चारों ओर फैलती जा रही है। सत्युग में जाएंगे तो वहाँ हमारी होगी गोल्डन दुनिया, गोल्डन से आएंगे सिल्वर में, त्रेता युग में। और अभी हम कहाँ बैठे हैं, अभी हम कहाँ बैठे हैं, सिल्वर वाली जुबली मना रहे हैं। इसके बाद किस में जाएंगे, गोल्डन जुबली मनाएंगे। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है, खुशियों का मौसम आया है, मन का इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सभी ने मिलकर केक कटिंग भी की। अवसर पर लायंस क्लब डायमंड, इनरविल क्लब मिडटाउन, जिला विकास परिषद सिरसा, दी आरती अनाज मंडी एसोसिएशन, योग भारती, सद्भावना मार्ग वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य भी मुख्य रूप से शामिल हुए। अगली खबर गुरुग्राम की ओआरसी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से ओम शांति रिट्रीट सेंटर के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी गई। इस एम्बुलेंस का उद्घाटन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन और ओआरसी की निदेशिका बीके आशा द्वारा किया गया। चलिए लेते हैं इस खबर की पूरी जानकारी ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके विदात्री से। आज के दिन हमने आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब, जो कि इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, और आदरणीय आशा दीदी जी, जो कि इस कैंपस के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा इस एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन SBI के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई है, जो कि फुल्ली फंक्शनल विद ऑल मेडिकल सपोर्ट इक्विपमेंट्स के साथ में हमें ये एम्बुलेंस मिली है। ये एम्बुलेंस न केवल इस सेंटर पे आने वाले सभी की सेहत का ध्यान रखेगी और उन्हें समय पर उचित स्थान पहुंचाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इस कैंपस के आसपास जो भी कम्युनिटी एरियाज हैं, उन सभी की सेवा में भी हमेशा तत्पर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर राजस्थान के भरतपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। अवसर पर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, महापौर अभिजीत कुमार समेत कई महानुभाव शामिल हुए। स्थानीय प्रभारी बीके कविता ने शांत स्वधर्म में स्थित रहना, क्षमा दान करना और सर्व का सम्मान करना ही जीवन में महत्वपूर्ण बताया। दया करुणा और उपकार के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के तहत हरियाणा के हारनिया खुर्द में भव्य कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा ने पहुंचकर सभा को मार्गदर्शित किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि कैसे हम राजयोग के माध्यम से जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। स्थानीय प्रभारी बीके शम्मा के निर्देशन में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। तो दया करुणा की आज संसार के अंदर समय की पुकार है, तो क्यों नहीं अच्छे लोग भी आपस में मिल जाएं और अच्छी भावना को, सकारात्मक भावना को फैलाएं और आध्यात्मिकता का अध्ययन करें। आप सोचेंगे हम नाम स्मरण कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप जब कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम सब मिल करके इस भावना को फैलाएं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।